वाला हूं जो शायद आपकी कान खड़े कर देगा और आप बोलेगा कि आपको एटमी के अलावा दुनिया में कुछ नहीं करना है। क्या सुनने के लिए तैयार है? बताओ कुछ ऐसी बात। एक रेगुलर व्यक्ति का एनुअल इनकम जो कि जॉब करता है उसके एनुअल इनकम का इंक्रीमेंट कितना होता है कोई बताएगा मुझे? 3% एवरेज होता है। 3% चाहोगे 7% होता है, अच्छे एमएनसी में रहोगे 12% तक पहुंच जाता है। आपको मैं सिर्फ सिस्टम की पावर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कर लेना, इसको शेयर करना, मजा आएगा आपको। इस सिस्टम के थ्रू लास्ट नवंबर से इस नवंबर के बीच में मेरा इनकम 245% मल्टीप्लाई हुआ है, 245% की ग्रोथ है एक साल में। राइट, दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। ये हम लोग सिस्टम की बात करते हैं और ये दिस इज ऑल क्रेडिट, ये कंप्लीट क्रेडिट जो है वो जाता है हमारी डायनेमिक लीडरशिप जिसमें बहुत सारे नाम शामिल है, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा हमारे संजय मेजराम सर का, डायमंड मास्टर, हमारे सावस्कर सर का, रमीला मैम का, संजय घोषा सर का, हमारी बहुत ऐसी पुरानी अप्लायंस थी जो कि सिस्टम में थोड़ा 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 ब्रेक करके जो है वो पार्ट ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें से कावड़े जी हैं और भी बहुत सारे लीडर्स हैं और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर हेनरी पार्क सर और हमारे एमडी, हमारे कंपनी के चेयरमैन, हमारे मैनेजमेंट के सभी लीडर्स को। और मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही बात बोलूंगा कि हो सकता है आपको शुरुआती लेवल में अभी आप जा रहे हो मार्केट में जा रहे हो कि आपको ढेर सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे। कितने लोग हैं जिनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं मार्केट में? बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा लगता होगा कि यार छोड़ो हटाओ कौन करेगा। मैं आपको मेरी जर्नी बताता हूँ जो मैंने मेरे ख्याल से आज तक मेरे फैमिली में भी जो है वो कुछ खुल के शेयर नहीं किया। मैं मेरे पूरे खानदान का सिर्फ अकेला एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक अकेला सीनियर बिजनेसमैन, राइट। और ट्रस्ट मी कि 15 साल लगातार बिजनेस करने के बावजूद, 15 साल लगातार उठने गिरने के बाद में जो है वो इस मैं काम पे पहुंचा हूँ। और मैं आप सभी लोगों को एक ही बात बोलूंगा, उस पूरी जर्नी में कंटिन्यूसली 15 ईयर्स में नॉन स्टॉप मैं बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार बैठा हूँ। ऐसी भी सिचुएशन आई है कि मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि मुझे ये सब चीजें छोड़ के जो है वो सिर्फ जॉब करना चाहिए, लेकिन मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि नहीं, एक लास्ट टाइम और ट्राई करते हैं। और वो लास्ट टाइम ने मेरी पूरी जिंदगी जो है वो बदल के रखी है और उसके बाद में एक नया टर्नओवर जो है, जो एक नया पेज जो है वो टर्न आउट हुआ है, राइट। तो मैं इतना ही बोलूंगा, टाइम बहुत कम है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इवेंट अभी पार्टिसिपेट जो है आगे आने वाले टाइम में बोल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू।